तो ये आधा रास्ता हम लोग ने कवर कर लिया, अभी शायद 20 मिनट यहाँ से लगेगा। और क्या शानदार नज़ारा है भाई साहब, एक अनोखा एक्सपीरियंस हो रहा है आज, थैंक्स टू शोमिक, उसी का आइडिया था। तो जी फाइनली 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 4 किलोमीटर हाइक और ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद मैं पहुंच गया हूँ द बिग अलमाटी लेक। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो द बिग अलमाटी लेक को। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलमाटी, दिस इज़ डे 3 एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है तीसरा दिन हम लोग का, तो अभी फ़िलहाल प्लान बना है बिग अलमाटी लेक देखने के जाने के लिए। तो कल रात तक काफ़ी रिसर्च हम लोगों ने किया है, तो कुछ कुछ रूट हम लोगों को पता चला है, तो आपको मैं जैसे जाऊंगा मैं दिखाऊंगा। अभी पता नहीं, श्योर शॉट नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं। तो चलो जैसे मैं जाता हूँ आपको मैं दिखाऊँगा, कीप वॉचिंग। आ गया हूँ मैं अभी फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क के बाहर से, आप नज़ारा देख, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आज हम लोग का अलमाटी लेक कन्फर्म हो जाता, हम लोग जा पाते, तो कल हम लोग का थोड़ा रेस्ट डे रहेगा, तो कल हम लोग यहाँ पे आके घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं पहला नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे है। हम लोग आज वैसे भी मतलब यहाँ पे आने का प्लान नहीं था। हाँ, वैसे भी आप लोग सबको पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर के लिए हम लोग को ठीक से मतलब जितना भी है हम लोग बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ढूंढने में। हाँ, लेकिन बाय द वे हम लोग मतलब आ रहे थे यहाँ पे, जब उतर गया तब देखा सामने प्रेसिडेंट पार्क। नहीं, कहीं पे लिखा हुआ था कि ये बस फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क के सामने से ही जाएगा, तो अभी कंफर्म है कि हम लोग सही जगह सही रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलो मैं पहले बस में जाता फिर मैं आपको। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे हम लोग का बस उतारी, एक 3-way रास्ता है। तो हम लोग को ये जो पीछे देख रहे हो इसी रास्ते जाना है, तो यहाँ से दिखा रहा है 15 किलोमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से अगर कोई एंडेक्स टैक्सी मिल जाता जो कि हम लोग को कुछ आगे तक ले जा पाती है, तो हम लोग का लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। तो वही शोमिक ट्राई कर रहा है, लेकिन यैंडेक्स में ओटीपी नहीं आ रहा है उसका, अभी देखते हैं, नहीं तो कोशिश करके देखेंगे अगर हिचहाइक भी होता है तब भी चलेगा हम लोग। तो चलो देखते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये अपना हाइक स्टार्ट कर दिए क्योंकि अभी तक तो कोई गाड़ी हम लोग को मिला नहीं। तो यहाँ पे पीछे मैं देख रहा था साइन बोर्ड में कि 11.5 किलोमीटर्स है, जो कि 7 घंटा दिखा रहा है। 7 घंटा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस कुछ अगर मिल जाता आगे तक भी तब भी ठीक है। मैं बोल रहा था शोमी को कि नॉर्मल जगह में तो 10-12 किलोमीटर ऐसे ही वॉक कर लेते, लेकिन ये रास्ता कुछ अलग है। चलो विश मी लक ताकि हम लोग कंप्लीट कर पाए आज का। तो अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हो सीढ़ी दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि लेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक हम लोग जा पाएंगे। तो उसके बाद वहाँ से और ट्रैक करना पड़ेगा। अभी तक शायद 2-2.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, तो काफ़ी स्टीप रास्ता है। चलो देखते हैं, अभी भी जोश है मन में कि ट्रैक करेंगे। काफ़ी नहीं मतलब कुछ दूर हम लोग आ गए, अभी भी देखो ऊपर में ये सीढ़ी चढ़ के शायद स्टार्टिंग पॉइंट तक हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कैसे जाए। अभी तक मैक्सिमम 13 किलोमीटर ही हुआ होगा और शोमी कैसे हाँफ रहा है अभी। बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करता हूँ कुछ, लेकिन ये सब अभी मैं हूँ आयुसाई में। तो आयुसाई लगभग जहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट किए थे वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो आप देख पा रहे हो कि एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट है, लोकल लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों का जो चाहिए था, जो कि था बैटरी ऑपरेटेड साइकिल, वो हम लोग यहीं से लिए हैं। तो कॉस्ट फॉर द साइकिल इज़ 20,000 टेंगे पर पर्सन। मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा है 40,000 टेंगे दो आदमी को लिए, लेकिन कंसिडरिंग द रूट और जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला, इट इज़ वर्थ द मनी एंड इट इज़ वर्थ गिविंग इट ए ट्राई। स्टार्ट यहाँ से, स्टार्ट नहीं बोल सकते कि मैं 2 किलोमीटर पहले चला के आ चुका हूँ। वो पाइपलाइन, जो पाइपलाइन से पानी पूरा अलमाटी तक जाती है, और ये एक पॉपुलर ट्रेकिंग रूट भी है क्योंकि काफ़ी लोग आप देख सकते हो पाइप के ऊपर से चल के आ रहे हैं यहाँ से।
तो ये आधा रास्ता हम लोग ने कवर कर लिया, अभी शायद 20 मिनट यहाँ से लगेगा। और क्या शानदार नज़ारा है भाई साहब, एक अनोखा एक्सपीरियंस हो रहा है आज, थैंक्स टू शोमी, उसी का आइडिया था। मैं वैसे चल के भी आ जाता लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए आ गया। और मतलब ये बोलने के लिए बोल रहा है वो, मतलब जब हम लोग साइकिल में आ रहे थे तभी हम लोग को समझ में आ गया था कहाँ से कहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। तो थोड़ा व्यू आप थोड़ा एंजॉय कर लो, फिर मैं ऊपर जाके एक बार डायरेक्ट दिखा। तो जी फाइनली 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 4 किलोमीटर हाइक और ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद मैं पहुंच गया हूँ द बिग अलमाटी लेक। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो द बिग अलमाटी लेक को, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बिग अलमाटी लेक का एक दो फैक्ट मैं जस्ट शेयर कर दे रहा हूँ कि इट इज़ सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 8,200 फीट। और ये जो लेक देख रहे हो ये तो अभी फ़िलहाल फ्रोजन है, यहाँ से पूरा अलमाटी सिटी का जो पानी का सप्लाई जाता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पूरा यहीं से होता है। और ये जो पहाड़ देख रहे हो इट इज़ इन द बॉर्डर एरिया, इसका पहाड़ के पीछे का जगह में किर्गिस्तान आ जाता है। तो ये लेक में हम लोग उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ताकि ये लेक साफ़ रहे, पीने लायक रहे, तो इसीलिए हम लोगों को लेक थोड़ा दूरी से देखना पड़ रहा है। तो शायद थोड़ा और नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर आके फिर हम लोग 11-12 किलोमीटर साइकिलिंग करके फिर हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग साइकिल लिए थे। तो ये खड़ा है अपना साइकिल, तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा नीचे की तरफ, शोमिक पीछे खड़ा है यहाँ पे, उसको और कुछ फ़ोटो वगैरह लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे भी जाओ इतना पिक्चरस्क लोकेशन है, मैं क्या बताऊँ। सनलाइट भी एकदम प्रॉपर आ रहा था, आज सुबह मैं सोच रहा था कि अगर बारिश का फोरकास्ट है, बारिश आ जाए तो झमेला है, तो लेकिन टच फुट भगवान अपने साथ है, अभी तक मौसम काफ़ी सुहाना है, नीचे जाने तक सुहाना रहे इतना ही हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो चलो और कुछ थोड़ा नीचे जाके फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम में आप देख पाओगे, हम लोग जाएंगे ऊपर। चलते चलते कुछ यहाँ का लोकल कजाक भाई लोग मिल गए थे, जिसके साथ हम लोग बैठ के थोड़ा बातचीत किया और थोड़ा फ़ोटो वोटो लिया, मस्त लगा। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मतलब वेलकमिंग हैं, जिनके साथ भी आप जाओ बात करेंगे, थोड़ा बहुत अगर आपको इंग्लिश या रशियन आए तो आप आराम से इनके साथ बात कर पाओगे थोड़ा बहुत। तो इतना ही है, इन लोगों के साथ मस्त टाइम कटा, अभी हम लोग जाएंगे बाहर। तो जी यहाँ पे खूबसूरत सा झरना देख पा रहे हो, पूरा स्नो मेल्ट होके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर का फाउंटेन भी दिया गया है जहाँ पे शोमिक पानी भर रहा है, मस्त। और हम लोग जब यहाँ जा रहे हैं ना एकदम साइकिल चल रहे हैं मिनिमम 40-45 के स्पीड में, क्योंकि पूरा डाउन हिल है, तो मस्त लग रहा है। थोड़ा ब्रेक मार मार के हम लोग को आना पड़ रहा है और लगता है जल्दी पहुँच जाएंगे नीचे। तो अभी अलमाटी लेक से हम लोग वापस आ गए, अभी हम लोग है एक जगह पे आयुसाई। आयुसाई भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, और लोकल भी बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक वगैरह बनाने। और देखिए लोग आसपास काफ़ी लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कजाक कल्चर बहुत सुंदर है, मतलब लोग शांत है, अच्छे से बात करते हैं, एक जगह जाके पूरा बैठ के सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया में भी ऐसा चीज़ अगर हो सकता था तब अच्छा लगता। तो अभी थोड़ा घूमेंगे यहीं पे, हम लोग का सामने ही जो साइकिल का जहाँ से हम लोग लिए थे यहीं से लिए थे, तो अभी टाइम है हम लोग के पास 1.5 घंटा। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे 7-7:30 बजे तक तो डे लाइट रहता है, तो हम लोग के पास अभी भी 1.5 घंटा हम लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, तो करके थोड़ा। तो अभी जी साथ में मुझे मिल गए एक कजाक फैमिली, बहुत ही अच्छे, पूरा ये बेटे हैं, मदर है और फादर है, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे बंदे हैं, अच्छे खराशा, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। तो ग्रेट मीटिंग यू सर, यस। सो ये भी बोल रहे थे कजाकिस्तान, मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के लोग इतने अच्छे, सब कोई आके फ़ोटो खिंचवा रहा है, नहीं तो हाथ मिला रहा है, बाय बाय कर रहा है। तो ये सब मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ लेकिन इतना वेलकमिंग, इतना वार्म वेलकम मेरे को कभी नहीं मिला है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। सो यू वांट टू से एनीथिंग टू माय हाय टू इंडियन नेशन? या आई हैव रेड व्हाट अबाउट हांजी, about Indiran Gandhi. Yeah. So it's a great pleasure to welcome such a such people in our country. So thank you so much. Everyone visit Kazakhstan. Sure, I'll tell my audience. Welcome of Kazakhstan. Yeah. एंड इतना ही बोलूँगा कि अभी दिन मेरा बन गया क्योंकि इनसे मैं मिला, किसे मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था, ऐसे ही बैठा था, तो आज मेरे को लगा कि इनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊँ, थोड़ा इनको भी दिखाऊँ कैसा है। तो मैं तो विज़िट किया ही हूँ, मैं सबको बोलूँगा कजाकिस्तान आओ, एंजॉय करो यहाँ का कल्चर और यहाँ का ब्यूटी को।
सो स्पसीबा।